हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए, आपकी क्लास यहाँ पर स्टार्ट होने चल रही है। ये बज रही है शाम के 5। मैं आपके यहाँ संडे है तब भी क्लास ले रही हूँ, आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। हर एक चीज़ को समझते हुए चलिए, कार्य को करिए, देखिए। आज की क्लास काफ़ी अलग है इन कंपेरिजन टू, मतलब जो हम पढ़ते आ रहे थे उससे मैंने थोड़ा सा यूनिक चीज़ लेने का प्रयास किया कि आपका थोड़ा सा मन उधर भी डाइवर्ट करे, ताकि आप उन प्रश्नों की तरफ भी अपने आप को थोड़ा सा लगाएं, कि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी का क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो कि मैंने हिंदी पूरा आपको पढ़ा दिया है जितना आपके सिलेबस में। अगर कुछ टॉपिक बचा है तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने हमेशा बोला है कि किस टॉपिक में, अगर किसी सिलेबस में कोई टॉपिक बहुत प्रश्न बार बार सीरीज़ में देख लीजिए, अगर बहुत प्रश्न आया है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो वो आप मुझे बताइए, हम आपको करवा देंगे, लेकिन आपको बताना होगा। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे आपको हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको बीच बीच में आपकी जो एक क्लास आपकी पढ़ाई वाली चलती रहेगी, जिससे सिलेबस हमको पूरा पढ़ना है, देखना है, जानना है, और एक तरफ कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे, ठीक है, क्लियर। आइए आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि आप लोग थोड़ा ध्यान ये रखें कि यूपी टेट का जब भी आपकी 2023 में जब भी फॉर्म आएगा, अभी तक तो नहीं कोई चांसेस है, लेकिन इलेक्शन है 2024 में, तो वो एक उम्मीद है कि आपका पेपर यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। तो यूपी टेट और सी टेट का भी पेपर, सी टेट का पेपर जून में आएगा और यूपी टेट का कोई क्लियर नहीं है कि कब आएगा, लेकिन एक बार ज़रूर होगा 2023 में। तो जब भी आता है तो आप लोग भी सारे लोग फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अब जो कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, जो आप लोगों को बहुत डाउट आजकल चल रहा है, मुझे बहुत सारे मेल्स आए, तो बता देती हूँ कि फ्रेंड्स पिछले साल से नियम आ गया है कि अगर आप BTC में आज एडमिशन ले रहे हो तो कल आप यूपी टेट का पेपर देने के लिए अलाउ हो, एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी जो है वो लिख कर ऑन पेपर नहीं दिखाया गया, वो चीज़ नहीं लिख कर आई, लेकिन आप एलिजिबल हो, ये नियम पिछले साल चेंज हो चुका है। तो आप चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहें, चाहे आप जिस सेमेस्टर में रहें, आप यूपी टेट का पेपर, आप सी टेट का पेपर दे सकते। सुपर टेट वही बच्चा दे सकता है जो यूपी टेट और सी टेट निकाल लेगा। तो सुपर टेट की बात अभी आपको करनी ही नहीं है, अभी पहले आपको जो प्राइमरी वाला बेसिक का है पहले वो निकालना है। तो मेरा क्या कहना है कि यूपी टेट का पेपर जब भी आएगा 2023 में, सबको पता चलेगा, बताया जाएगा, आप अपने आप को थोड़ा उधर के लेवल से भी प्रिपेयर करते चलिए, क्लियर। यही इतनी बात मैंने आपको समझानी थी। आइए शुरुआत करते हैं फिर आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आपके साथ डेली यहाँ पर मिलते हैं, हम डेली क्लासेस करते हैं, आप डेली आइए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब आपके क्वेश्चंस आज मैं शुरुआत कर रही हूँ। एक काम आपको करना है कि जब मैं नहीं शुरुआत कर रही हूँ तो आप भी खूब देर सारा जितना हो सके सारे दोस्तों को लेकर आइए, पढ़िए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपका मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट करेगा, फिर मैं उसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए बहुत चीज़ें बनाऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्लियर। चले आगे आइए, अब एक एक प्रश्न को दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, आपको कितने कितने उत्तर लिख रहे हैं, कितना बड़ा कितना छोटा लिखना है या क्या लिखना है। पढ़ा आपने है, मैंने हिंदी पूरा किया है, मैं चैप्टर वाइज कभी नहीं करवाऊंगी, इसके चैप्टर का क्वेश्चन करवा दूँ, हर चैप्टर से उठा के करवाऊँगी, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, प्रश्न कम आते हैं, तो मुझे वो भी ध्यान में रखना है। कुछ जिस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आएगा, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हम उस सेक्शन के प्रश्न ज़्यादा करवाएंगे, जिनके कम आते हैं उनके एक दो बार बता देंगे, ताकि आप देखे रहिए। तो जो प्रश्न आज से मैं करवाना शुरू कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट का एकदम मिला जुला करवाऊँगी, आगे का भी कुछ ले लूँगी, बीच का कुछ, पीछे का कुछ, ताकि आप हर एक चैप्टर में थोड़ा 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 करके लास्ट में ढेर सारा तैयार हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, सबसे पहला है, मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस की क्वालिटी तो वही सही है, आप लोग अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा जिन्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आपका है, ये 2016 में आया है और भी बहुत बार आया होगा, लेकिन 2016 में मेनली आया है। 16 में पेपर दो बार हुआ था किसी कारणवश, चाहे पेपर लीक हो गया होगा या जो भी रहा होगा रीजन, 2016 में दो बार हुआ था, तो आपको देखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न आपसे 2016 में पूछा गया था, जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है और आपने भी बहुत बार पढ़ा है। एक एक प्रश्न को हम देखेंगे और ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वर किसे कहते हैं, क्या पूछा जा रहा है, स्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर प्रश्न के तरीके दिखा रही हूँ। पहली बात तो स्वर किसे कहते हैं आप ये जानते हैं, स्वर के बारे में मैंने पढ़ाया, आपको भी पता है। अब इसका उत्तर मैं यहाँ पर दे रही हूँ, इसका उत्तर आपको सीरीज़ में भी बहुत सारा मिलेगा, आपकी बुक में भी बहुत सारा मिलेगा, जो बच्चे नोट्स परचेज किए उनमें भी अलग रहेगा, कुल मिलाकर रहेगा वही, लेकिन लिखने का सबका भाषा शैली अलग अलग होगी। तो यहाँ क्या लिखी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब आप चाहिए तो यही हूबहू उतार के पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज़ खुद का भी बना के लिख सकते हैं। बस मैटर, आप बस ये ध्यान रखना कि जो बात लिख रहे हो उसमें पूरा आपका उत्तर सही सही आना चाहिए,
तो सबसे पहला एक नंबर या दो नंबर का मान के चलेंगे, ये प्रश्न आ रहा है कि स्वर किसे कहते हैं। आप उत्तर में बहुत सिंपल सा यहाँ पर उत्तर लिखते हुए बताएंगे, वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़े से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। ये किताब की भाषा की परिभाषा है, ठीक है, फिर से पढ़ रही हूँ। स्वर किसे कहते हैं? वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़े से निकलती है, फेफड़े से वहाँ से होती है और कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना, यही मेन चीज इसमें है। स्वर में क्या होता है कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हम जो अंदर का दांत, तालु, जीवा, ये जितने भी अंदर के स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान जो होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये सब, इनको छुए बिना, इनको टच किए बिना आपके मुख के द्वार से बाहर निकल जाती है जो ध्वनि, उसको हम स्वर कहते हैं। क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि स्वर वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी की सहायता से करते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है जो एक लाइन में आपको लिखने को, एक नंबर में लिखी, दो नंबर में लिखना है तो आप कुछ इस तरीके की भी परिभाषा लिखें, क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को ना? क्योंकि आप छोटा, जब एक नंबर का प्रश्न है तो ये कोई मतलब नहीं होता कि एक ही लाइन लिख दो। अब एक नंबर का तो तीन लाइन तो कम से कम लिखो। आप जान ही रहे कि पूरे में से पूरा तो कभी मिलता ही नहीं जल्दी, तो कितनी आसानी से मिल जाएगा। तो वो थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए कि आपको कितनी बातें लिखनी है, ठीक है। तो वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़े से निकलकर आपके कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थान को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से जब बाहर निकल जाती है तो उसको हम स्वर कहते हैं, और स्वर का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। आप ये एक सिंपल सी लाइन और है कि स्वर का उच्चारण, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तब अन्य अक्षर की सहायता के बिना, मतलब किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेते हैं और स्वतंत्र रूप से करते हैं तो वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो आप कहेंगे कि मैम 11 हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ए, ओ, ओ, ये कितने हैं टोटल मिलाकर? 11 हैं। और मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। 10 मात्रा क्यों होती है? क्योंकि बड़े आ में कोई मात्रा नहीं होती है। देखो, स्वर तो 11 है लेकिन मात्रा 10 ही होती है। 10 इसलिए होती है क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो मात्रा कितनी होती है? वो 10 होती है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि जब 11 स्वर है तो 11 मात्रा होगी। नहीं डियर, 10 होती है क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। एक प्रश्न क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ एक प्रश्न? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। उत्तर में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है ये समझते हैं कि जब प्राण वायु कंठ तथा मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनि उस समय उत्पन्न होती है उनको हम व्यंजन कहते हैं। इसमें और स्वर में सिर्फ इतना सा फर्क है कि स्वर का भी उच्चारण होता है तो एक ध्वनि आपके मुंह से, कंठ से होती हुई बाहर निकलती है। फर्क यही इतना है कि वो आपके मुंह के किसी भी कंठ का जो उच्चारण स्थान उसको टच नहीं करती, और स्वर की जब निकलती है तो सब जगह टच करते हुए निकलती है। इसीलिए ये व्यंजन है, बिना ये किसी की सहायता के नहीं बोले जाते। स्वर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना उच्चारण कर लेते हैं। यही इतना सा आम भाषा में है, और भाषा जो किताब की है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। जैसे क, ख, ग आदि प्रत्येक व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से होता है, क्योंकि इसके अंदर आधा जो स्वर है वो छिपा होता है, ठीक है। अगर आपको अभी का, ये तो पूरा का है, अभी का को आप तोड़ोगे तो उसके नीचे हलंत लगाओगे प्लस छोटा आ लिखोगे, तब ये जाके मिलके इसको जोड़ोगे तब ये का बनता है। तो इसके अंदर सबके सभी स्वर व्यंजन के अंदर आधा स्वर जो है वो, आधा आ जो है वो छिपा होता है। ये बात आपको अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए आज, क्लियर। इसीलिए जब भी कभी किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा है तो इसका मतलब वो आधा है, पूरा नहीं है। आपने ऐसे बहुत जगह देखा होगा, नहीं मालूम है तो आज जान जाइए एक नई बात। हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 33 है। ये आपको 52 टोटल कहीं कहीं दिखाता है, कहीं आपको 54 दिखाता है। अगर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी किताबों में बड़ा अलग अलग है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एग्जैक्टली जो है वो है 33। कितनी है? व्यंजन की संख्या सिर्फ बता रही हूँ तो 33 है, ठीक है। व्यंजन प्रमुखता कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के।
ये प्रकारों को आपको बहुविकल्पी प्रश्न में संख्या के रूप में भी पूछ लेगा या आपको लिखने को आ जाएगा, तो दोनों तरीके से आप खुद को प्रिपेयर रखिए। आगे चलते हैं इसी के साथ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है, अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार से भिन्न है। मतलब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो यही दोनों परिभाषा लिख के आपको बता देना है। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की। मैं और भी व्यंजन आपको दिखा दूंगी, क्योंकि जब व्यंजन की बात उठी ही है तो उनके सभी प्रकार को देख लो। पहली बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना, ठीक है। इन व्यंजन के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थल को स्पर्श मात्र करती है। ये पांच वर्ग है, ठीक है। पांच वर्गों में बटे होते हैं, एक का वर्ग, एक चा वर्ग, एक टा वर्ग, एक टा वर्ग, एक पा वर्ग, ठीक है। पांच वर्ग में ये डिवाइड हैं। इन पांच वर्गों का जब उच्चारण होता है तो ये इस छूती हुई निकलती हैं। जो उच्चारण करने के स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, उनको टच करती हुई, स्पर्श करती हुई निकलती है। एकदम बारीक ही चाहे टच करें लेकिन उनको छूती हुई निकलती हैं। तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। पहला, का से मा तक होते हैं, पूरे वर्णमाला में ये टोटल 25 होते हैं, ये संख्या आज ध्यान रख लो। ये का से लेके मा तक होते हैं, ये ध्यान रख लो। इसका भी प्रश्न बन जाएगा और इसके संख्या का भी पूछ लेगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, क्लियर, समझ रहे हैं। चलते हैं, बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, ये क्या होता है इसको भी जानते हैं। कह रहा है कि जन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा हवा के मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ये एक ऐसा व्यंजन होता है कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो कोई भी टच नहीं करता है और हवा बिना रगड़ खाए हुए मुंह से बाहर निकल जाती है आसानी से, उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार, या रा लावा। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं तो आप कहेंगे कि मैम या रा लावा। कितनी संख्या होती है तो आप कहेंगे चार होती है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है और बिना रगड़ खाए बाहर निकल जाती है, उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दोनों मैंने आपको बहुत ही क्लियर डिफाइन करके बताया। समझ में आई बात, एक बार नहीं आ रही दोबारा देखिए, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। चलते हैं आगे। जिन बच्चों ने क्लास को हिंदी को शुरू से नहीं लिया उनको आज बड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो नहीं जानते ही थी। फिलहाल हमने पढ़ा है, लेकिन अब अगर आप नहीं देखे हैं तो बैठिए, प्लेलिस्ट आठों सब्जेक्ट की बनी हुई है, आधे आधे घंटे की क्लास है, शुरू करिए। आप अगर चाहेंगे तो 2 दिन में 3 दिन में कवर करके और ये प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे, और आप लोग अपनी कॉपी में ये प्रश्न को यहाँ से उतार सकते हैं, अच्छा है, लिख सकते हैं, एग्जाम में रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, ऊष्म व्यंजन। कुछ कुछ जैसे ये ऊष्प लिखा है, तो फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग रहती है इसलिए दिक्कतें होती है। तो थोड़ी बहुत जैसे यहाँ पे वर्ष आ गया था ऊपर वाले में, तो मैंने देखो करेक्ट बताया, यहाँ पे ऊष्म होता है तो ऊष्प लिखा है, तो इसको थोड़ा इग्नोर किया करिए, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए आप। अब यहाँ पर है ऊष्म व्यंजन, ये क्या होता है आइए जानते हैं। जिन वर्गों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती, उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे शा शा हा, इनकी संख्या कितनी है, चार। कितने, कौन कौन से, शा शा हा। ये कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब इनका उच्चारण होता है मुख से रगड़ खाते हुए गर्म हवा निकलती है, शा शा हा, शा शा हा, ठीक है। जब उसमें गर्म वायु निकलती है तो उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। या तो आप यही परिभाषा लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई, एकदम घिसती हुई, धीरे धीरे करके निकलती, उनको हम कहते हैं। आप भी बोलकर देखिए, शा शा हा, शा शा हा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन, कितना होता है, चार। संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं, तो ये दो या दो से अधिक व्यंजन जब मिलकर बनते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर कोई व्यंजन को बनाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या चार होती है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि जो व्यंजन यहाँ पर प्रकार बताए जा रहे हैं और इन व्यंजन के भी जो छोटे छोटे वो बताए जा रहे हैं कि चार हैं, तीन हैं, उनसे बड़ा प्रश्न बनता है और हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो छ, त्रंग, ज्ञा और श्री, ये देखिए का और षटकोण वाला जो सा होता है उससे मिलकर बना। यहाँ पर का आधा है, हलंत लगा हुआ है। उदाहरण में आप अक्षर और कच्छा देख सकते हैं। त्रा से त्रिशूल होता है, पुत्र और त्रिशूल, तो यहाँ पर आधा ता और रा, आधा ता प्लस रा बना के त्रा बना।
आधा जा और यहाँ बना के क्या बना, ये शाह है, यहाँ पे छोटे उ की मात्रा को बना, ये हलंत लगेगा, सीटी वाला सा और रा मिला के श्रा बना है, श्रम और विश्राम, ज्ञान और विज्ञान। आपको इस संयुक्त व्यंजन से क्या पता रखना है पता है, पहली बात तो जब आपको पूछे तो आपको ये छह त्रंग्या और ये श्री याद रखना होगा, कितने हैं, चार हैं। अब आपको ये मान लो भूल जाओ, इसको मत छोड़ो, दो ये तो उदाहरण था जो दिया, नहीं याद है, लेकिन ये कैसे बन रहा है इसका मेल आपको चारों याद होना चाहिए, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न में दे देगा कि छा किससे मिलकर बना है, तब आपको यही का कैसे बनेगा मैं आज दिखा दे रही हूँ, पूछेगा कि छा किससे मिलकर बना है, छतरी वाला छा। अब देखो एक ऑप्शन में तो आपको का शा ऐसे देगा, ठीक, एक ऑप्शन में का लिख देगा और शा के नीचे हलंत लगा देगा, एक ऑप्शन में आपको पूरा का लिखेगा, यहाँ पर भी पूरा का लिखा है, यहाँ पर भी आपको इसमें जो है ये भी ऐसे लिख देगा, ठीक, और एक ऑप्शन में आपको जो लास्ट वाला देगा उसमें आपको का प्लस हो सकता है सरोता वाला सा दे दे, ऐसे ऑप्शन देगा, और आप अगर क्लियर से नहीं समझेंगे तब आप गलती कर देंगे, तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि का के नीचे हलन और षटकोण वाला सा, तो ये मिलाकर क्या बनेगा छा। तो इसी तरीके से बाकी तीनों के भी आपको याद करने होंगे, ये टेट में, सुपर टेट में, डीएलएड में हर सेमेस्टर में पूछा जाता है और हर सेमेस्टर में आता है, तो एक बार पढ़ लीजिए पूरे डाउट क्लियर होंगे, समझ रहे हैं आप बात मेरी, बहुविकल्पी में भी आएगा या तो लिखने को आ जाएगा। तो मैंने अभी तक इतनी ही बात आपको सिर्फ बताई, ये दूसरे प्रश्न की बात हो रही है, आइए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न आज का देखते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया है, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है फटाफट जाइए क्लास को लाइक करके आइए, मैं उनको बात बोल रही हूँ, जिन्होंने किया है बहुत अच्छे हैं, बिना कहे करते हैं, जब मैं आपके लिए करती हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा, यही तो नियम है, क्यों फ्रेंड समझ में तो आ रहा है ना, इतनी मेहनत से बता रही हूँ, बहुत सिंपल सी बातें बता रही हूँ, जिसको नहीं पता है आज फिर रिविजन कर ले, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े चीज़ें आसानी से नहीं आने वाली हैं, ठीक है, चलो पढ़ोगे तो सब मुमकिन है। चौथा प्रश्न है, हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बताइए, हिंदी में जो वर्तनी से रिलेटेड अशुद्धियाँ होती हैं उनको बताइए। अब इसमें क्या बताएंगे, एक ये लिखा हुआ आपको प्रश्न मिल सकता है, या तो आपको मिल जाएगा कि लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट किए, जो कि डीएलएड 2018 में पूछा गया है, दोनों के लिए एक ही चीज़ है, प्रश्न पूछने का तरीका दोनों का बस एक ही चीज़ लिखी है, दोनों अलग अलग तरीके से है। अब चलिए मैं आपको इसके उत्तर से मिलवाती हूँ कि आप इसमें क्या लिखेंगे। हिंदी भाषा की अगर हम वर्तनी में त्रुटियों की बात करते हैं तो बहुत से बालक कुछ वर्षों से उच्चारण भेद को ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वर्णों का जो उच्चारण है उसको सही से समझ नहीं पाए हैं, और वह प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता वर्ण लिख देते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो एक दूसरे से मिलते रहते हैं उसके बदले उसको लिख देते हैं, वह उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ण के परिवर्तित हो जाने से पूरा अर्थ जो है वो बदल जाता है, जी हाँ बिल्कुल बदल जाएगा, तो बच्चों को क्या है कि दो वर्णों के बीच में कन्फ्यूज़न है जो उन्होंने ना कभी क्लियर की और ना कभी किसी ने क्लियर करवाई, और वो वही चीज़ रटते बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी वर्तनी हमेशा अशुद्ध होती है, उनका उच्चारण भी गलत होता है और उनकी वर्तनी भी गलत होती है। अब वो क्या है बताती हूँ, उदाहरण देखिए, जैसे सर, ये वाला सर मस्तिष्क वाला है, ये वाला सर वो अध्यापक वाला सर है, ठीक है, तो दोनों सर में उत्तर है कि नहीं, वैसे ये वाला सर कभी लिखा नहीं जाता, हम लोग बस इसको इंग्लिश में एस आई आर करके लिखते हैं या बोलते हैं, यही होता है ना, लेकिन देखो कैसे लिखा हुआ है, तो ये तो सही है, ये मस्तिष्क वाला जो सर की बात हो रही है सही तो यही है, लेकिन ये भी यही पढ़ने में आता है और ये भी यही पढ़ने में आता है, तो दोनों का अर्थ एक दूसरे से सर्वदा भिन्न है, पूरे वर्ण को कुछ कुछ लिख कर और अशुद्धियाँ कर देते हैं, और इन्हीं रूपों को अगर नहीं सुधारेंगे तो गलतियाँ बैठ जाती हैं, क्योंकि दोनों को इसको भी पढ़ रहे हैं तो सर ही निकल रहा है, इसको भी पढ़ रहे हैं तब भी सर निकल रहा है, तो वर्तनी कैसे गलत हो गई, तो गलत हुई क्योंकि ये लिखा नहीं जाता, ये कोई वर्ण शब्द ही नहीं है, शेर बना दो, सुर बना दो या कुछ और बना दो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, हम इंग्लिश में सर लिखते हैं इसलिए हमने इसको सर पढ़ लिया। समझ में आ रही है बात, कुछ क्लियर हो रहा है कि वर्तनी की जो दिक्कत हो रही है बच्चों में वो क्यों हो रही है, एक तो उच्चारण का अभाव होता है और उनके मन में जो एक दूसरे को दो वर्णों में वो जो एक तालमेल नहीं बैठा पाते कि कौन किसका है वो उनको गलत कर देता है, क्लियर। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं वा और बा, वा और बा बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा होता है, लोग बरखा बरखा कहते हैं, होता है कि नहीं, बरखा वर्षा बरखा, ठीक है,
ये छतरी वाला छा और छतरी वाला छा, छा से छाता और छा से छतरी, छा छा पढ़ा जाता है, दोनों गलतियां हो जाती हैं। छात्र होता है, आप जब छात्र लिखोगे तो आप छात्र ऐसे लिखोगे ना, अब अगर ऐसे छात्र लिख दोगे और इसको भी छा पढ़ रहे हो उसको भी छा पढ़ रहे हो, तो ये तो सही हुआ लेकिन ये किस एंगल से सही हुआ। तो यही समझना है जो छोटे बच्चे को, यही वो उसने गलत एक बार पढ़ लिया उसके दिमाग में यही चीज़ बैठ गया, कभी नहीं सुधरेगा और कभी नहीं आएगा। तो ये दोनों अशुद्धियाँ मेजर रोल को प्ले करती हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं। डा डा की अशुद्धियाँ डा डा, ये डा की अशुद्धियाँ जो है आणा वाले से कभी कभी हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पढ़ लेते हैं। डा और ढा, एक डा यहाँ पर ढा, ये डा आपका ढा है, एक ढा से ढक्कन होता है और एक ढा ढा होता है, ठीक है। तो डा और ढा में दिक्कत होती है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ध्यान से सुन लो, मेनली जो हमको प्रश्न आज से आपको लिखने को आता है, आप ये दो चीज़ को बढ़िया लिख दो, दो धारणा दे दो, ठीक है। ये आड़ा और इसमें हो जाती है, ये यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गई है, इसको काट देना, ठीक है। आड़ा और ढा में, ढा और आड़ा में दिक्कत होती है। आप ये देखो, शाह और घा में, शाह और घा में नहीं होगा, यहाँ पर सीटी वाला सा ले लो, सटोरा सा, यही षटकोण वाला सा और शाह में होती है, छोटी और बड़ी ई में होती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में होती है, बहुत लोग कहते मुनि मुनि, छोटी बड़ी में पति 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 होता है, पत्ती थोड़ी होता है, पत्ती फिर अलग हो जाएगा। तो ऐसे बहुत, इसमें से आप ये वाला काट देना, ये गलत है ध्यान रखना, एक ये काटना, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा अशुद्धियाँ क्रिएट कर देती हैं। तो कुछ बातें आपको समझ में यहाँ तक आई, आसान लग रहा है, कर पाएंगे। मैंने पढ़ाते वक्त भी ये अशुद्धियों पर काफ़ी चर्चा की और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, जिन बच्चों ने नोट्स वगैरह दिया है उन बच्चों के पास भी बहुत अच्छा कंटेंट ऑफ सोर्स है पढ़ने के लिए, और सारी चीज़ें उसमें बहुत क्लियर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ फटाफट, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ध्वनि क्या होती है, तो आप बताएंगे ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई होती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा, मैं पूछती हूँ एक नंबर में या दो नंबर में आए वो मैटर नहीं करता है, ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई होती है। जैसे इसका अर्थ होता है आवाज़, आवाज़ करना, आवाज़ निकालना। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुख विवर से या मुख के द्वार से जो वायु निकलती है, वागेंद्रियों के माध्यम से जो आवाज़ प्रकट होती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि की एक छोटी सी परिभाषा और आती है, अब हर बार आई है, इस बार भी आएगी, मतलब आती है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, छठा पॉइंट है, हिंदी भाषा में प्रचलित जो ध्वनियाँ हैं वो क्या क्या हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, बहुत सिंपल सी एक साधारण सी परिभाषा है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों का क्रमवत समूह जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है, और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णमाला की बात की जा रही है, तो कितने हैं, 52 हैं, जिनमें से स्वर आएंगे अयोगवाह 2 हैं, व्यंजन 33 है। वर्णमाला और व्यंजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तभी आप कन्फ्यूज होते हो कि आधे बच्चों को रहता है कि 33 हैं और इसमें 52। तो मेरे फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि वर्णमाला में पूरा समूह आता है और व्यंजन में सिर्फ व्यंजन आता है, इसीलिए आप लोग हमेशा डाउट में रहते हैं जो क्लियर नहीं होता कभी। तो व्ययोगवाह 2 होते हैं, अंक और आह, ये अंक और आह जो होता है वो अयोगवाह होता है, अयोगवाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, वो डा और ढा जो होता है वो द्विगुण व्यंजन होता है, ये मैंने पढ़ाते वक्त पूरा क्लियर बताया है। तो इन सब को मिला के जब वर्णमाला बनता है तो उसमें कितने आते हैं, 52 आते हैं टोटल, ठीक है। आगे आइए, देखिए स्वर, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऊ ए ऐ सी ओ, तो ये पूरा। अयोगवा में अंकर आह, व्यंजन में का वर्ग में का खा गा घा अंगा आएगा, चा वर्ग की बात करते हैं चा छा जा इया आएगा, वर्ग अगर नहीं याद तो याद कर लीजिए, टा वर्ग में टा ठा ढा आड़ा आएगा, ता वर्ग में ता ना ना, पा वर्ग पापा पापा मामा, अंतस में यारा लावा शाह, ऊष में शाखा शाह, और संयुक्त में छत्रंग्या और श्री, ये आएंगे। तो ये रही आज की क्लास, द्विगुण व्यंजन में डा और ढा आएगा, ये डा और ढा हमेशा बीच में आता है, कभी ये आगे नहीं आएगा, जैसे सड़क लिखो मेढक लिखो तो ये बीच में आएगा, ये कभी इधर और इधर नहीं आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा आपके डीलेट में, आपके टेट सुपर टेट में पूछी जाएंगी, और इसी तरह के प्रश्न आपके डीलेट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं करती हूँ ऊपर, कैसी रही क्लास आप फीडबैक दीजिएगा, प्रश्न कैसे लगे आपको, मैंने हिंदी पढ़ाया था पहले तो हिंदी से शुरुआत की है, धीरे धीरे सब करवाऊंगी, बताऊंगी, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।